टू द मोटोटोशन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के क्रैश टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो हम बात करने वाले मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिजायर की सेफ्टी टेस्ट रेटिंग के बारे में, जिसको रिसेंटली टेस्ट किया है लेटिन एनकैप ने। तो यह मैं बता दूं कि लेटिन एनकैप एक न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है फॉर लेटिन अमेरिका, जिन्होंने इंडियन मेड मारुति सुजुकी स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो क्रैश टेस्ट रेटिंग है ये वैलिड है पूरी तरह से डिज़ायर के लिए भी, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों का जो बिल्ड प्लेटफॉर्म है वो सेम है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है दोनों गाड़ियों का। तो उन्होंने बिल्कुल जो रेटिंग है वो बताया कि वैलिड है डिज़ायर के लिए भी। बात कर लेते हैं कि क्या रेटिंग मिली है इस गाड़ी को और क्यों मिली है, क्या पॉइंट स्कोर किया है और कौन सी गाड़ी पर क्रैश टेस्ट किया गया। तो ये जो क्रैश टेस्ट किया गया है वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बेस वेरिएंट 2 एयर बैग्स के साथ टेस्ट किया गया है, और जिसमें उन्होंने जो डिटेल्स शेयर की है, आपको यहाँ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है सुन के कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिज़ायर को 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। और ये जो पॉइंट्स इन्होंने शेयर किए हैं वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ हम बात करें 6.21 पॉइंट्स जो है वो एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए मिले हैं इस गाड़ी को, जो कि 15.53% बनता है। और वहीं बात करें चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन की, तो जिसमें इस गाड़ी को 0 पॉइंट्स मिले हैं, और 66% यानी कि 31 पॉइंट्स जो है इस गाड़ी को मिले हैं पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन के लिए। और इसके अलावा वल्नरेबल रोड यूज़र प्रोटेक्शन की बात करें तो 3 पॉइंट्स मिले हैं। तो ये ओवरऑल जो इस गाड़ी को पॉइंट्स मिलते हैं जो कि मिलके 1 स्टार स्कोर नहीं कर पाते। और यहाँ बात करें तो लेटिन एनकैप का ये भी कहना है कि ये जो रिजल्ट है इसका ये भी कारण है कि ये पुअर साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन मिलता है इस गाड़ी को। इस गाड़ी का जो साइड इम्पैक्ट है वो काफ़ी पुअर है, और लैक ऑफ स्टैंडर्ड साइड प्रोटेक्शन एयरबैग्स, एब्सेंस ऑफ ESC, यूज ऑफ लैप बेल्ट इन द रियर सेंटर। तो यहाँ बात करें एनकैप का कहना है कि जो हेड और नेक का ड्राइवर का जो प्रोटेक्शन है वो गुड है, लेकिन चेस्ट की बात करें तो वो उतना अच्छा नहीं है। और वहीं नीचे की साइड बात करें नी की, तो वहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो अच्छा नहीं है। वहीं अगर हम बात करें को पैसेंजर की, तो वहाँ नी प्रोटेक्शन थोड़ा बेटर मिल जाता है, लेकिन बाकी जो है वो सेम है। और वहीं अगर हम बात करें साइड इम्पैक्ट की, तो हेड एंड पेल्विस प्रोटेक्शन अच्छा है, एब्डोमन प्रोटेक्शन एडिक्वेट है यानी कि ठीक ठाक है, लेकिन चेस्ट प्रोटेक्शन पुअर है, जो कि रिजल्ट करता है 0 पॉइंट इन द टेस्ट। और इसके अलावा एनकैप का ये भी कहना है लेटिन एनकैप का कि जो ओवरऑल बॉडी शेल है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रेटिंग है वो इस गाड़ी को अच्छी नहीं मिल पाई। दोस्तों, इससे पहले भी इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया था ग्लोबल एनकैप द्वारा, जिसको 2018 में 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। यहाँ पे प्रोटोकॉल का थोड़ा डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से लेटिन एनकैप में इस गाड़ी को 0 स्टार रेटिंग मिली है। तो इस गाड़ी का जो क्रैश टेस्ट हुआ है वो 64 km/h की स्पीड पे हुआ है। तो ये था एक ओवरऑल इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट रिपोर्ट जो हमने आपसे शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तो ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।